हेलो फ्रेंड्स, छह माता दी कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आ गया है समय आपको मैं बताऊं हनुमान शाबर मंत्र। आज बहुत ही चमत्कारिक उपाय और हनुमान जी का ये वशीकरण मंत्र उस समय काम करेगा, ये तांत्रिक उपाय, जब आप पूजा कर करके हार चुके हैं और आपको कोई पूजा का फल नहीं मिल रहा। दोस्तों, जब भी कोई साधक हनुमान वशीकरण मंत्र सिद्धि साधना आदि का प्रयोग करते हैं तो कोई भी काम बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। बजरंगबली महाबली नामों से पुकारे जाने वाले पवन पुत्र रुद्र अवतार हनुमान जी में अपार शक्तियां हैं, चमत्कारिक क्षमताएं हैं और उनके प्रति लोगों का यही विश्वास और भक्ति हमें आस्थावान बनाता है। उनके मंत्रों के जप से अद्भुत प्रकार की ऊर्जा का एहसास होता है जो ना केवल खुद को स्ट्रांग बनाता है बल्कि जीवन के जिस भी मोड़ पर असफलता आपके सामने आती है तो वहां सीढ़ियां बनकर हमें जीवन में आगे बढ़कर आसानी कर देता है, हमारे राह में आने वाली सारी बाधाओं को दूर कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रकार के संकट में हैं, मुसीबत की घड़ी में हैं, तो आज जो मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताऊंगी जो काफी अचूक असर करता है, अगर आप इसका जप करते हैं तो यहां तक कि माना जाता है दोस्तों शनि की महादशा तक ठीक हो जाती है। शनिवार को इस बार हनुमान जयंती पड़ रही है और चमत्कारिक मंत्र बता रही हूं। सिर्फ एक मंत्र का जप आपको करना है दोस्तों और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती है। साथ ही साथ आज मैं बताऊंगी आपको वशीकरण या सम्मोहन या हिप्नोटिज्म, जिसको कहते हैं आकर्षण, अट्रैक्शन, हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे तरीके इसके बताए गए हैं। कई हनुमान मंत्र ऐसे हैं जिसमें वैदिक और शाबर मंत्र है और इन मंत्रों की साधना करने से, सिद्धि और प्रयोग करने से बहुत इजीली आप शनिवार के दिन इसको सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, शनिवार का दिन है हनुमान जयंती और आप चाहे तो इस शनिवार को या फिर आप अगर मिस कर जाते हैं तो आप किसी भी शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, शनिवार की सुबह स्नान करके सच्चे मन से किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है हनुमान जी के और उनकी प्रतिमा पर आपको सिंदूर, सुगंध यानी कि अत्र, थोड़े से अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, थोड़े से लाल फूल चाहे गुलाब लें चाहे उड़हुल का फूल लें, थोड़ा सा चमेली का तेल और एक नारियल यानी श्रीफल आपको लेकर जाना है। वहां पर आप सिंदूर से पहले चोला चढ़ाएं, सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके। अगर आप स्त्री हैं तो आप नहीं चढ़ाने देंगे आपको पंडित जी, आप किसी जेंट से या पंडित जी से चढ़वा सकते हैं। थोड़े से गंध हनुमान जी के दोनों कंधों पर आपको अर्पित करना चाहिए। लाल फूल गुलाब की ले लें, उड़हुल ले लें, उसकी माला बना करके पीपल के पत्तों की 11 पत्तों की माला बना सकते हैं, वो चढ़ाएं और फिर एक नारियल पर लाल कपड़ा लपेट के थोड़ा से मोली बांध करके उसको आपको हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। थोड़े से गुड़ चने आप प्रसाद स्वरूप लेके जा सकते हैं। नारियल आपको अर्पित करने के बाद वापस नहीं लेके आना है। धूप दीप करें और 5 छोटे छोटे मंत्र जो बता रही हूं इसका आपको 108 बार जप करना है। इस मंत्र को करने के बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है, ये ध्यान रखें, और आपके दुख दूर करने में, समस्त चिंताओं से आपको मुक्त करने में, आप किसी भी कार्य में बाधा आ रही है उसको दूर करने में आपको बहुत ही लाभदायक होता है। मंत्र कौन सा है, ओम बल सिद्धि कराए नमः, ओम वज्र कायाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम रक्षे विध्वंस कराए नमः, ओम सर्व रोग हरा नमः। दोस्तों, इस मंत्र को जप करने से आपको अपने कार्य को करने के लिए प्रसन्नता आती है, आपकी सक्रियता, आप मोटिवेटेड हो जाते हैं और आप देखेंगे कैसे आपके घर पे चुटकियों में सुख समृद्धि आने लगती है। ये सर्व कार्य मंत्र है, आपको कोई भी कार्य में सिद्धि चाहिए तो इन मंत्रों का जप आपको करना है। मंत्र जप कैसे किया जाता है कोई भी हनुमान जी का, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको सबसे पहले ये ध्यान लेना है कि कोई भी आप संकल्प कर ले कि आप कितने दिन इन मंत्र को किया जा करने वाले हैं। कोई भी तांत्रिक उपाय जब होता है तो 43 डेज आपको लगातार करना चाहिए। तो थोड़े से जल और एक फूल उत्तरमुखी होकर के लाल रंग के आसन पर, लाल ही रंग के कपड़े पहन लें आप और हाथ में थोड़े से लाल फूल और जल लेकर के संकल्प करें, थोड़े अक्षत ले लें, एक पैसा ले लें और बोले कि हे बाबा, मैं 43 डेज इस संकल्प को पूरा करूंगा, इस पाठ को पूरा करूंगा, इस जप को पूरा करूंगा। जो भी आप करना चाह रहे हैं, जो लड़कियां हैं वो 21 डेज का संकल्प लें क्योंकि 7 दिन बीच में प्रॉब्लम रहती है, आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको रुद्राक्ष की माला से, मूंगे की माला से या लाल चंदन की माला से
जो भी मंत्र हनुमान जी का आप करेंगे तांत्रिक मंत्र, वो तभी सिद्ध होगा। मुझसे ये क्वेश्चन ना करें कि मैम हमारे पास माला नहीं है तो हम क्या करें। आप चाहे तो 108 रुद्राक्ष के स्टोन्स ले लें, मूंगे के स्टोन्स ले लें, या लाल चंदन के स्टोन्स भी ले सकते हैं, उनको गिन लें 108, पर बिना माला के या माणिक के आपका ये जप पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसके बाद आप धूप दीप करके आप मंत्र का जप कर सकते हैं। जो लोगों के घर के पास हनुमान जी का मंदिर नहीं है, वो चाहे तो अपने घर पे अगर आप रोज पूजन करते हैं या 43 डेज तक अपने घर पे हनुमान जी की स्थापना करके इस उपाय को कर सकते हैं। बता देती हूँ मैं, हनुमान जी के वशीकरण मंत्रों की साधना से चमत्कारी प्रभाव मिलते हैं, और अगर आप तरीके से इसको निःस्वार्थ भाव से बिना किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए करें तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक होता है। हनुमान जी को क्या मानते हैं? भगवान शिव के रुद्र अवतार, 11वें अवतार मानते हैं, और श्री राम के दूत के रूप में भी जाना जाता है, और उनके वशीकरण मंत्र से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिव्य और सर्वाधिक शक्तिशाली मंत्र कहा जाता है। दोस्तों ये गुप्त मंत्र आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, इसको उसी प्रकार करना है। आपको उत्तरमुखी होकर के लाल रंग के आसन पर लाल कपड़े से मूंगे की माला, लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला से आपको 108 मंत्रों का जप 11 बार करना है। ओम नमो पंचवदनाय हनुमन्ते ऊर्ध्व मुखाय हय ग्रीवाय रुंग 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 रुद्रमूर्तये सकल लोक वशकराय वेद विद्या स्वरूपिणे ओम नमः स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है। आप 108 बार करें, आप चाहे तो एक माला का जप करें, आप चाहे तो 11 माला का जप करें, लेकिन आपको 43,000 जप आपको पूरे करने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट डे 43 डेज के बाद आपको थोड़े से गुड़ से और थोड़े से घी से आपको हवन करना है, दशांश हवन करना है, जिसमें आप 4,300 बार हवन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे स्त्री वशीकरण के भी उपाय बताए गए हैं। कुछ मंत्र जैसे कि हनुमान शाबर मंत्र के रूप में प्रचलित है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये हनुमान शाबर मंत्र इस बार हनुमान जयंती के गिफ्ट के रूप में आपको दे रही हूँ, और जो बोल चाल की भाषा में लिखे गए हैं, उसमें कोई संस्कृत नहीं होता है और हर कोई इसको बड़ी आसानी से कर सकता है। माना जाता है गुरु गोरखनाथ, ये जो वशीकरण होते हैं इसके गुरु गोरखनाथ होते हैं, और नवनाथ गहन सिद्धियों के बाद सामान्य लोगों के इजी यूज के लिए इन्होंने इस मंत्र को बताया है। अगर किसी पर पुरुष के आकर्षण में आपकी वाइफ बन गई है या आपकी लवर बन गई है, बहुत दिनों से रिलेशन के बाद रहने के बाद आपकी वाइफ या आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपको छोड़ के चली गई है, और या फिर आपसे गुस्सा हो गई है, आपसे बात नहीं करती है, चाहे वो पत्नी हो या प्रेमिका हो आपके, तो उनको फिर से प्रेम के वश में करने के लिए आपको 1008 बार इस शाबर मंत्र का जप करना चाहिए। आप देखेंगे तुरंत अद्भुत और चमत्कारी लाभ मिलता है। दोस्तों मंत्र कौन सा है? ए भग भगे भगनी भगोदरी भगमाले योनि भोगनी पतिन सर्व भग कसंकरी भाग रूपे नित्य क्ले भाग स्वरूपे सर्व भागिनी मे वश मान्य वर दे रे ते सुरेते भगलीकने क्लिंग न द्रवे क्ले दये द्रवय अमोघे भग विधे शुभ शोभय सर्व सत्वा भगेश्वरी एंग कलंग जंग ब्लूंग भेंग ब्लूंग मो ब्लूंग हे किलने सर्वानी भगानी तस्में स्वाहा। इस मंत्र का आपको 1008 बार जप करना है। दोस्तों ये स्पेशली स्त्रियों के लिए यूज़ करना है, और अगर स्त्री हो या पुरुष हर किसी का वशीकरण के लिए आप करना चाहते हो, चाहे किसी से आपका कोई रिलेशन ना भी हो तो भी एक छोटा सा हनुमान मंत्र की सिद्धि करते, जैसे आप कोई डील के लिए जा रहे हैं तो आप सामने वाले का वशीकरण कर सकते हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो बॉस का वशीकरण कर सकते हैं, और इसको आपको शनिवार के दिन से शुरू करके हनुमान जयंती के दिन से शुरू करें, और अगर ये मिस हो जाता है तो आप किसी भी शुक्रवार के दिन से आप इसको शुरू कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको काले रंग की ड्रेस पहननी है, और मंत्र का 5 दिन तक आपको 5 माला का जप रेगुलर करना है, बीच में छूटना नहीं चाहिए, और इस तरह से की गई जो भी मंत्र साधना होगी अनुष्ठान होगी उसके लास्ट दिन आपको हनुमान जी की पूजा विधिवत करनी है।
उपयोग में एक माला आप ले लें, चाहे रुद्राक्ष की हो, चाहे लाल मूंगे की हो, या लाल चंदन की माला खरीद लें और उसी से इस मंत्र को जप करना। और मंत्र का जप होने के बाद एक गड्ढे में मिट्टी डाल करके इस माला को आपको दबा देना है। आप चाहें तो गमले के अंदर भी दबा सकते हैं और इस तरह से सामने वाला पर्सन बिल्कुल वश में हो जाने वाला है। मंत्र कौन सा है? हनुमान जाग किलकारी, मार तू हुंकारे राम का सवारे, ओढ़ सिंदूर सीता मैया का, तू प्रहरी राम द्वारे, मैं बुलाऊं तू अब आ, राम गीत तू गाता आ, नहीं आए तो हनुमाना, श्री राम जी और सीता मैया की दुहाई, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। इस प्रकार से आपको 1008 मंत्रों का जप करना है। दोस्तों, हनुमान जी के एक से एक उपाय होते हैं। आपने कई जगह देखा होगा कि बहुत सारे भूत प्रेत बाधा, जैसे मेहंदीपुर बालाजी आदि में हर जगह झाड़ा लगता है हनुमान जी का। दोस्तों, हनुमान जी भय नाशक बताए गए हैं और कौन से मंत्र का झाड़ा लगता है वो आज मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही सावधानी से आप इस उपाय को घर पर कर सकते हैं। भूत हो, भूत प्रेत हो, या फिर दूसरे तरफ के मन में अगर कोई डर भी बैठ गया हो, कोई अनहोनी आपको हर समय लगता है ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हर समय आप डरते रहते हैं अपने ही घर पे, कोई भी काम काज आप करने जाते हैं तो उसमें बाधा आ जाती है, तो एक विशेष तरह का हनुमान मंत्र है, इसे जंजीरा भी कहा जाता है। ये ध्यान रखें और इसके जप से, प्रयोग से आपको तुरंत लाभ मिलता है। दोस्तों, हनुमान जंजीरा नामक ये मंत्र प्रयोग में बहुत आसान होता है, इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो भी दे दूंगी, और अलौकिक चमत्कारों वाला माना गया है। लगातार 21 दिनों तक आपको हनुमान जी के मंदिर में जा करके प्रतिदिन एक माला का जप करना होता है। पैदल जाना होता है, बिना चप्पल के आपको जाना चाहिए, पैदल वॉक करके हनुमान जी के मंदिर, अगर आप डायबिटिक या किसी बीमारी के शिकार नहीं है तो। और अंतिम दिन आपको उसी मंदिर में एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर लाल ध्वजा के साथ हनुमान जी की मूर्ति के सामने पूजन में अर्पित करना होता है। मंत्र थोड़ा लंबा है, फिर भी बोल देती हूँ आपको। भय नाशक मंत्र है। उत्तर की ओर मुख करके लाल रंग के आसन पर बैठ करके काले रंग के वस्त्र धारण करके आपको रुद्राक्ष की माला से, या फिर आपको लाल मूंगे की माला या लाल चंदन की माला से इस जप का करना है। ओम हनुमान पहलवान, बरस बारह का जमान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के जयगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन्न में किलो नौ खंड का भूत, जाग जाग हनुमान, हुम काला ताती लोहा, लंग काला शीश चटा, डग डेरू उमर गाजे, वज्र की कोठरी ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सीण, अजरा झरे भरिया भरे, ई घट पिंड की रक्षा, राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। तो हनुमान जी का अंजनेय मंत्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। आज मैं आपको एक से एक हनुमान जी के वशीकरण मंत्र बता रही हूँ। दोस्तों, एक गुप्त मंत्र है, आज तक मैंने किसी से शेयर नहीं किया है, आज पहली बार आप सभी के रिक्वेस्ट पर ही आपसे शेयर किया जा रहा है। और इस मंत्र का आपको 10,000 बार जप करना होता है। अंजनेय मंत्र बोलते हैं, और मनोकूल विवाह, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से अगर शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाभकारी उपाय होता है। इसका जप आप हनुमान जयंती के दिन से कर सकते हैं। अगर हनुमान जयंती छूट गई तो आप किसी भी गुरुवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठ करके इस जप को 10,000 बार कर सकते हैं। आपको काजल लेना है काला, और जल ले लेना है, थोड़ा सा भी मंत्रित कर लेना है, और इसके इस्तेमाल से आपको सकारात्मक लाभ मिलता है। आप इस काजल को बाद में लगाएंगे, इस जल का पान करेंगे, इस जल से आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी, यानी सम्मोहन हो, स्तंभन हो, विद्वेषण हो, उच्चाटन हो, मारण हो, किसी भी प्रकार का प्रयोग आप इससे कर सकते हैं। किससे सिद्ध करना है आपको 10,000 जप, किस पे करना है? एक लोटा जल रख लेना है, एक काजल की डब्बी रख लेनी है, और आपको काले रंग के वस्त्र धारण करके उत्तरमुखी होकर के काले हकीक की माला से इस मंत्र का 10,000 जप करना है। मंत्र कौन सा है? ओम रिंग यम ह्रिंग राम दूताए, रिपुपुरी दाहनाए, अक्ष कुक्षी विदारनाए, अपरिमित बल परक्रमाए, रावण गिरी वज्र आयुधाए, रिंग स्वाहा। इस मंत्र का आपको जप करना है, फिर आप देखेंगे कैसे आपकी लव मैरिज होती है। कोई अगर आपके जो घर वाले हैं वो नहीं मान रहे, जो लड़के के घर वाले हैं या लड़की के घर वाले वो नहीं मान रहे, पर दोस्तों एक बात का आपको ध्यान रखना है,
क्योंकि ये उच्चाटन मारण आदि होता है, तो अगर ये तांत्रिक उपाय होता है, अगर आप शादीशुदा हैं और फिर आप ये काम करते हैं किसी लड़की को फंसाने के लिए, या आप किसी मैरिड लड़के या लड़की पर ये चीज़ अप्लाई करते हैं, तो इसका उल्टा असर आपको पड़ सकता है। हो सकता है वो पर्सन उल्टा आपसे नफरत करने लगे, क्योंकि दोस्तों तांत्रिक उपाय की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर आपने तरीके से मंत्र का उच्चारण नहीं किया या तरीके से आपने इस काम को नहीं किया, गलत भावना से किया, तो ये आपको बर्बाद करने की क्षमता रखता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए एक उपाय बताऊंगी परीक्षा में सफलता के लिए। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो मेहनत सबसे सर्वोपरि होती है, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे नौकरी हो, जॉब हो, कोई भी चीज़ में मेहनत अगर आप नहीं करते तो वो आपका बेकार है। पर अगर मेहनत करने के बाद आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको किसी भी हनुमान मंदिर में जाना है, या फिर भगवान हनुमान की तस्वीर या मूर्ति के सामने आपको कॉन्सेंट्रेशन करके, बिल्कुल ध्यान लगा करके बैठ जाना है। एक तेल का दिया उत्तरमुखी होकर के आपको बैठना है, और लाल रंग के आसन पर लाल रुद्राक्ष की माला से, या लाल मूंगे की माला से, या लाल चंदन की माला से आपको एक जप करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करना है हनुमान जी के मंत्र जप के बाद। और चाहे तो अगर आप देखेंगे कि बहुत मुश्किल है, काम नहीं बन रहा है, तो आप बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। दोस्तों आप देखेंगे, दोस्तों बजरंग बाण का पाठ मैं बार बार मना करती हूँ, जब तक लास्ट ना हो जाए, हर तरफ से हार ना जाए, बजरंग बाण का पाठ आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बजरंग बाण बताता है कि हनुमान जी को आपको बाध्य कर रहे हैं जीवन में किसी कार्य को करने के लिए, और इस तरह से अगर आप उनको बाध करते हैं, फोर्स करते हैं, तो वो राजी मन से काम नहीं करते, उल्टा नाराज हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप बजरंग बाण का पाठ कर ले, उसके बाद हनुमान जी को मनाने के लिए खूब अच्छे से आपका कार्य पूर्ण होने पर उत्सव करना चाहिए। दोस्तों हनुमान वशीकरण मंत्र का प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान करके, जप करके, एकाग्रता के साथ अगर सच्चे मन से करते हैं, रक्षा कवच के मंत्र ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करते हैं, दोस्तों सख्ती से पूजा का पालन करते हैं, नियम का पालन करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की पूजा मजाक नहीं होती, एक तो पूर्ण शुद्धताई से करनी चाहिए, इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन किया जाना चाहिए, किसी भी स्त्री या पुरुष का भाव अगर आप उस समय मन में लाते हैं, तो ये पूजा आपकी बर्बाद होकर के आपका सब कुछ नष्ट हो सकता है। पूजा के लिए आसन पर लाल कपड़ा हो, नीला काला आसन आपको नहीं लेना है, मांस मदिरा नशे आदि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। जप के लिए रुद्राक्ष या चंदन की माला या लाल मूंगे की माला ले, और पुनराहुति जब भी करनी है, कोई भी जप आपका पूरा हो, तो एक नारियल और फूल का प्रसाद आपको जरूर चढ़ाना है। इस तरह से दोस्तों आप जो भी प्रयोग करते हैं, वशीकरण मंत्र साधना का प्रयोग करते हैं हनुमान जी का इस हनुमान जयंती पर, या फिर बाद में भी, तो दोस्तों आप देखेंगे आपके करियर हो, बिजनेस हो, जॉब हो, प्यार हो, आपकी लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका पारिवारिक लाइफ हो, सभी में जीवन सफल बनाने में ये बहुत बहुत काम करता है। दोस्तों किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, आप प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के जरूर पूछ लें इससे रिलेटेड। और साथ ही साथ ये ध्यान रखें दोस्तों, बार बार कह रही हूँ, इसका गलत प्रयोग ना करें, वरना उल्टा फल मिलता है। बाद में आप मुझे बोलेंगे कि मैम ये उल्टा पड़ गया, तो आपको सावधानी से करनी है, शुद्धताई से करनी है, मन में ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए इस उपाय को करना है, तभी हनुमान जी की पूजा सफल मानी जाती है। लव यू ऑल फ्रेंड्स, अपने मम्मी पापा, फ्रेंड्स, फैमिली, भाई बहन, बच्चे सभी से शेयर करें, क्योंकि हनुमान जयंती एक ऐसा चमत्कारिक दिन है जिसमें आप कोई भी तांत्रिक अगर उपाय करते हैं हनुमान जी के, वो सभी आपके सिद्ध माने जाते हैं। लव यू ऑल फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज के थ्रू कनेक्टेड रहें। टेक केयर, जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।